हेलो हेलो। हेलो, हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी होस्ट बना रहा हूँ। को होस्ट बना दिया। ओके सर। आवाज आ रही है मैडम? हाँ आ रही है सर। आवाज एक्चुअली मेरा इंटरनेट बिगड़ गया है। ये जियो पे ही है, ठीक है? ओके आज सर। रिपेयरिंग चल रहा है तो हो सकता है कि बीच में कटे तो फिर कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है? हाँ, हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। जस्ट हाँ सर। पहले बोल दे कि थोड़ा माइंड सेटअप किस तरह से होना चाहिए बच्चों का, है ना? कुछ हाँ सर, उनको भी अब पता चल प्रॉब्लम आ रहा गया है है कि। इंटरनेट? हाँ, आज हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, आज लगा हुआ है अभी। ओके, हाँ तो पहले हम ऐसा करते हैं मैडम, सभी आ गए ना? सर, आ ही रहे सब एक एक करके। पहले ऐसा करते हैं, कल जो हमने क्वेश्चन भेजे थे वो लगभग 200 जैसा क्वेश्चन था। हाँ उसमें पहले जिस नहीं आंसर भी मैंने भेज दिया था, है ना? हाँ हाँ सर। तो बच्चे मैच, है ना, मैच कर लिए होंगे कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो हम मार्क्स नहीं पूछ रहे हैं, कितने मार्क्स आए किसको नहीं है, बट अब जो क्वेश्चन उनका गलत हुआ या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आंसर में डिस्कशन करने की जरूरत है, ओके, तो आप डिस्कस करो, फिर पूछो मेरे से नंबर और फिर मैं वो क्वेश्चन निकाल दूंगा। देन यू कैन और वी डिस्कस दैट क्वेश्चन, राइट? हाँ हाँ सर, ऐसा सब ही कुछ सुनाई करते दे रहा हैं। है? तो थोड़ी देर हम उसके लिए रखते हैं और आधे घंटे बाद हम, आई मीन आधा टाइम इसके लिए, आधे घंटे बाद फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और यदि किसी को क्वेश्चन नहीं होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, बट हाँ हाँ क्वेश्चन सर। सर्टेनली उसमें होना चाहिए, काफी, है ना? तो आप बच्चों को एक बार, वो तो खुद अनम्यूट कर ही सकते हैं ना? हाँ सर, कर सकते हैं, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है ना। बस, तो आप पूछो जो भी आपके पास पहले क्वेश्चन हो, मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूंगा। पहले हम ऐसा करते हैं, 1 2, तो 1 से लेके हमने 32 तक कल सॉल्व किए थे ना, तो पहले हम उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें से यदि आपने चेक किया होगा घर में सर्टेन, है ना, तो उसमें यदि कोई क्वेश्चन है तो हम पहले वन पेज बाय पेज हम चलते हैं, ऐसा नहीं चलेंगे तो ऐसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है मैडम आपको स्क्रीन? अभी नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा सर। फिर से मैं इसको स्टॉप करके फिर करता हूँ। और बच्चे आप बोलते जाओ, आपको जहां पे भी है डायरेक्ट, फिर मैं एक से पहला पेज में जो 1 to 18 था शायद, उसमें भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो। मैंने डिस्प्ले भी किया है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखना। सर जी बोलो। हेलो सर, वन सर बाय वन आप करके आओ। सर, मेमोरी लोब्स 15 to 20 होती है ना, तो आप मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर में 40 to 30 50 समथिंग दिया है, तो वो तो मतलब हाँ, वो फिर गलत है। ओके, 30 to 40 आंसर दिया है, वो गलत है। ये सी नंबर होगा, 11 नंबर आप बोल रहे हो ना, है ना? हाँ हाँ यस सर, 11 का यस सी सर, इज द करेक्ट आंसर। आंसर पता नहीं कौन सा है, यस। आंसर हो सकता है सी, आंसर एक दो गलत हो सकते हैं, माइट बी, बहुत ओके ज्यादा गलत हाँ नहीं है, एक आध दो आंसर गलत हो सकते हैं। हाँ, 15 to 20 होगा मेमोरी लूप्स। ओके, यस। नेक्स्ट पूछिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? नहीं सर, खाली ऐसा लिखा है कि है मैडम स्टार्टेड, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट किया है, पर दिखाई नहीं दे रहा सर। अच्छा, दिखेगा, स्लो है, कोई बात।
सर मैडम। हाँ सारा भाई हाँ बोलो बोलो। सर 25 में सी आंसर नहीं आएगा। 25 मैं आता हूँ, जस्ट एक ही मिनट, पहले 18 तक में कोई क्वेश्चन हो, एक मिनट और रहो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताएंगे। 1 to 18 मैं आ रहा हूँ 25 पे। ओके चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 to 18 में किसी को नहीं है। हाँ हेलो सर, एक डाउट है। हाँ बोलो ना। सर, 14 नंबर में है ना कि एंट्रम इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, तो ओके, दिस इज गुड उसमें क्वेश्चन। आंसर सेकेंडरी फॉलिकल नहीं आएगा। आप देखो, चलो आंसर तो बाद में करेंगे, बात पहले आप देखो, जो हमने पढ़ाया है उस वो फोटो तुम्हारे पास है, जो हमने पहले पीछे की तरफ बात करी थी ना, हाँ है ना, सेकेंड या थर्ड क्लास में, तो उसके फोटो आपके पास हैं, एक बार आप देखो पहले, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, है ना, या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। सर, फोटो तो नहीं है शायद। नहीं है, चलो मैं ही फिर दिखाता हूँ, हाँ आप स्क्रीन पता नहीं दिखेगा या दिखेगा आपको। स्क्रीन दिख रहा है तो अच्छी बात है, सबको दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है ना। हाँ ओके सर, हाँ हाँ देखो, फिर मैं वो ला रहा हूँ फोटो। देखो ये दिख रहा है आपको, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी हाँ सर, फॉलिकल दिख रहा है ना। ओके, फिर फॉलिकल ये है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, दिख रहा है, हाँ सर, बोलते जाना ताकि मुझे ध्यान। ओके हाँ, फिर हाँ देखो ये तीसरा है, सेकेंडरी फॉलिकल, जहाँ पे एंट्रम जस्ट बनना शुरू हो गया। ठीक है, हाँ अब देखो नेक्स्ट फिगर, देखो नेक्स्ट फिगर, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, राइट। हाँ, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में सब ये फॉलिकल जस्ट स्टार्टेड और फॉलिकल है, राइट, फॉलिकल में डेवलप्ड। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है ये, फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिक फॉलिकल। सो पहली बार कहाँ पे दिख रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल सुन में। रहे हो, सेकेंडरी फॉलिकल। सो हाँ सेकेंडरी करेक्ट आंसर ही है, हाँ तो सर ठीक है। शायद अच्छा, आंसर की मैं रॉन्ग दिया शायद। क्या तो भी हो, बट सर सेकंड फॉलिकल पहली बार जो दिखता है यहाँ पे, फर्स्ट ऑब्जर्व। अदरवाइज देखो यहाँ पे यदि ऐसा रहा है, वेल डेवलप्ड, इसने बना था कि एंट्रम इज वेल डेवलप्ड और वेल ऑब्जर्व्ड इन, तो उसका आंसर क्या हो टर्शियरी, जाता है, ग्राफियन ओके फॉलिकल, ग्राफियर, ओके ग्राफियन फॉलिकल वेल ऑब्जर्व्ड है, वेल ऑब्जर्व तो ग्राफियन फॉलिकल, तो यहाँ पे आंसर होगा सेकंड, है ना। ओके। ओके नेक्स्ट पूछिए, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। चलो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा है ये। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ लो,
अप टू 32, जो भी आपके गलत हुए हैं उसको आप पूछो। यदि आपने बुक से मिला लिया है आंसर तो ठीक है, अच्छी बात है, तो आंसर मिल गया आपको। अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस, और डिस्कस करोगे तो उसमें नई बातें निकल के आएगी।25 25, ओके। उसमें सी नहीं आएगा एंट्रम। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। यस द टर्सरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना, टर्सरी फॉलिकल की बात कर रहा है ना, सेकेंडरी भी नहीं, टर्सरी की बात कर रहा है। सो अनडिफरेंशिएटेड थीका, है ना, थीका याद आ रहा है, थीका लेयर। सर अब खत्म, बात पता चल गया, वो एक्सेप्ट रीड नहीं किया था इसलिए। हाँ बस राइट, ओके। नेक्स्ट पूछिए, कौन पूछ रहा है आपका नाम, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एंजेलिना है सर। एंजेलिना, चलिए, गुड गुड, सरस सरस सर एंजेलिना 27 जी। पूछ रहे हैं उसमें, खाली वो आप बैठ के मूवी देख रहे हो। 27 नंबर, सर आवाज कट रही है। ओके। स्पर्म, इन स्पर्म द एक्रोसोम इज लोकेटेड, ये पूछ रहा है ना, एक्रोसोम कहाँ पे। थोड़ा इंटरनेट मेरा अनस्टेबल है इसलिए आगे पीछे होएगा थोड़ा। तो एक्रोसोम पहला जो हम पढ़े, एंटीरियर टू माइटोकॉन्ड्रिया बिहाइंड द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल गलत है। मैं काम करता हूँ, मैं अपना वीडियो भी ऑफ कर लेता हूँ तो शायद ज्यादा नेटवर्क आएगा। स्टॉप वीडियो, है ना, आवाज आ रही है मैडम आ रही है सर, लेकिन थोड़ी अभी। कट के आ रही है। ओके, नहीं अभी मैंने इंटरनेट ये ऑफ कर दिया है वीडियो, तो अब शायद अच्छा आएगा। तो हाँ सर। देखो एंजेलिना, इसमें क्या है कि स्पर्म में एक्रोसोम्स आर लोकेटेड इन, है ना, लोकेटेड कहाँ पे होता है। तो पहला चॉइस तो बिल्कुल ही है ना, ये सबसे आगे होता है, हेड के ऊपर होता है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है, बी नंबर है, एंटीरियर टू द न्यूक्लियस, ये सही लग रहा है। बट तीसरा भी हमें पढ़ना चाहिए, बिहाइंड द माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल नहीं, एंड थर्ड इज द टेल, बिल्कुल नहीं। एक्रोसोम न्यूक्लियस के जस्ट आगे होता है, ध्यान आ रहा है, स्ट्रक्चर आप देखो स्पर्म की, दिखाओ मैं स्ट्रक्चर नहीं है सर। हाँ है, तो आप देखो वहां पे, ठीक ये आपके सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है, ये देखो एक्रोसोम। ओके, सो एक्रोसोम इज लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस और हेड लिखा हुआ। नेक्स्ट पूछिए। सर बोलो कौन पूछ। दीप सर हेलो सर
सर के नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रही है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, सब वेट करें। हेलो। हेलो, हाँ मैडम आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। थोड़ी कट रही है सर आवाज। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया है, मैं कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? नहीं सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं सर अभी नहीं दे रहा। मैडम स्क्रीन हो रहा है सर, लिखा हुआ आ रहा है सर। CMS आनंद है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, अभी खाली इतना ही लिखा हुआ आ रहा है सर और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, पूछ तो सही हो, क्वेश्चन सामने है। आप लोग क्वेश्चन पूछिए, ऐसा हो तो क्वेश्चन पढ़ के आप लोग पूछिए। नंबर भी बोलेगा तो भी चलेगा, मेरे सामने नंबर दिख रहा है। हाँ सर वही मैं बोल रही हूँ, आप लोग नंबर बोलिए। हाँ सर स्क्रीन आ गई है अब। हेलो हेलो हेलो, पूछो। स्क्रीन दिख रहा है मैडम? आवाज सर कट के आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हेलो हेलो, आप
लोगों को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर बोलिए सर, वहां से देख के आप लोगों को आंसर देंगे। किसी को है प्रॉब्लम? 32 नंबर। 32 नंबर सर, 32 नंबर। हाँ सर, अब आई जो भी क्वेश्चन 32 नंबर का सर इलंग बोल रहे हैं, कोई दीप शायद 32 नंबर का पूछ रहा है। फीमेल टाइप ऑफ दूसरा बोल रहा है इस हार्मोन इन कंसंट्रेशन सर। बीच में से आवाज कट गई थी, नहीं सुनाई दिया कुछ भी। कट के आ रही है सर हार्मोन फिगर दिखा रहा हूँ देखो कि जो प्लेसेंटल हार्मोन है ये काफी सारे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी the many more functions they are doing. ये slide दिख रहा है मैडम आपको? नहीं सर, वो नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। दिखेगा तो वक्त लगेगा लगता है। ओके, कोई बात नहीं। देखो तो जो यहाँ पे कॉर्टिसोन है ना, तो प्लेसेंटल हार्मोन जो थे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज सेकंड नंबर की चॉइस कंसंट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बिल्कुल सही है। देन कोरियोनिक विलाई दैट कोरियोनिक विलाई हेल्प्स द ट्रोपोप्लास्ट इन अटैचमेंट विद द यूटेरस ये भी सही है। दैट मींस डी एंड सी इज करेक्ट राइट। सो रॉन्ग आंसर इज ए नंबर। आवाज आ रही है मैडम? हाँ सर आ रही है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो
पूछिए चले सर 46 ओके क्वेश्चन पढ़ रहा 36 इज फाउंड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन है बहुत क्वेश्चन हेलो हाँ सर कट के आ रही है आवाज तो ये बहुत आसान है एटल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती बाबा ईस्ट्रस साइकिल होती है हमने बात करी थी ना स्ट्रेस साइकिल चलता है आंसर हो जाएगा 36 का सी नंबर और कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो पूछे पूछो जो भी क्वेश्चन है पूछते जाओ बोलो है कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर बोले सब लोग हाँ नंबर बोलो मैं इधर देख के बताऊंगा ओके नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं नहीं है सर 49 से कौन सर नहीं है नहीं है नो क्वेश्चन कौन सर नो क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा आगे बढ़ाओ ओके यहाँ पे देखो 62 से 64 तुमको नहीं है दूसरे को हो सकता है इसलिए धीरे धीरे हमको जाने दो सर 59 ओके 59 देखो 59 क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट है ना तो जरा स्टेटमेंट को पढ़ लो इन एडिशन टू प्लेसेंटल हार्मोन थायरोक्सिन एंड कॉर्टिसोल आल्सो इंक्रीजेस इन द मैटरनल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल सही है ये सेकंड द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन यूटेरस यूटेराइन इंडिकेट्स पहला नंबर सही है ना दूसरा प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन यूरिन इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी बिल्कुल ये भी सही है आवाज आ रही है मैडम हाँ सर आ रही है हाँ सर हाँ तीसरा चॉइस है यहाँ पे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मेसोडर्म इज द फर्स्ट जर्म लेयर टू अपीयर ये गलत है ध्यान आ रहा है सबसे पहले एक्टोडर्म बनता है उसके बाद एंडोडर्म सबसे लास्ट में बनती है मेसोडर्म ठीक है
फिर चॉइस भी पढ़ लो. मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज डिवॉइड ऑफ एंटीबॉडीज. अच्छा ये भी गलत है इसमें. मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज डिवॉइड ऑफ एंटीबॉडीज, ये भी गलत है ना. सो आइडेंटिफाई द, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ना, पहला नंबर बिल्कुल सही है. इन एडिशन टू द प्लेसेंटल हार्मोन थायरोक्सिन एंड कॉर्टिसोल ऑल्सो इन इतना खबर आ सके जो मैं और आई बोला यूरोपियंस टू इंडिया, यूरोपियन इंडिया में क्या माता ट्रेड करवा माते पर हमें क्या जो बैठा प्रिंसी आपका माइक चालू है, प्रिंसी आपका माइक चालू है. ए नंबर बिल्कुल सही है. दूसरा नंबर प्रोजेस्टेरोन इन यूरिन इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन कंपनी ना. थर्ड पेज नंबर है हो गया सर. हेलो नीरज सर. हेलो सर एक मिनट रुक जा आ रहे हैं. अनम्यूट कर दे सर आए तब गाना. प्रेगनेंसी राइट. तो सेकेंड भी गलत है. फिर सी नंबर भी गलत है राइट, क्योंकि मेसोडर्म सबसे लास्ट में अपीयर होता है ना. और मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल हेलो. हाँ सर. हाँ ये जो पूछ रहा था उसको समझ में आया? कौन पूछ रहा था? हाँ सर समझ में आया. कोशा बी नंबर. ओके कोशा बी नंबर से जस्ट बी नंबर में वहां से कंफ्यूजन हो रहा है. वो आंसर इसलिए नहीं होगा. प्रोजेस्टेरोन इट डजंट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी है ना. एचसीजी इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरोन तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी होते हैं प्रोड्यूस. ओके नेक्स्ट पूछिए.
हर्ष हर्ष को कोई क्वेश्चन था? बोलो हर्ष। हाँ मैम। सर मैं कल एमटीजी में से एमसीक्यू पढ़ रहा था, तो उसमें से वो रीजन में एक बताया, तो उसको मेरे को समझना, एक लाइन लिखी है उसमें। क्वेश्चन नहीं है सर, वो रीजन लिखा है उसके अंदर आंसर के बाद। वो बोल रहा है ऐसा कि बोलो आवाज रुक गई। हेलो सर, उसमें जो फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर बैरोथेलिन्स ग्लैंड होता है, वो एक फ्लूइड सेक्रेट करता है, लुब्रिकेट्स द वॉल्वा ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो सर मुझे वॉल्वा का मतलब नहीं पता, उसका मतलब क्या होता है? वॉल्वा का मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हमने बात कर रही थी वहां पे। नॉर्मली इसको वॉल्वा भी बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं फीमेल में, उसको हम लोग वॉल्वा भी बोलते हैं। ओके वो सर कुछ कुछ सेंटेंस होते हैं, इसलिए समझ नहीं आ रहा था मेरे को, इसलिए मैंने कहा पूछ लूंगा। टीचर होता है, पूछो तो। हाँ सर, ओके ओके सर। चलो और किसी को डाउट है तो फटाफट पूछ ले। ये जो हमने 200 क्वेश्चन भेजे थे, ये बनाए कंप्लीट? हाँ सर, उसको भी बनाया था जो आपने भेजा था कल, वो आप दिखा रहे। और वो एमटीजी नहीं सर, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि मैंने सर जो जो गलत हुए थे ना, उसको मैंने बुक में से ढूंढा था, इसीलिए लाइन बाय लाइन। तो अच्छी बात है, तो दैट इज गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सारा क्वेश्चन का आंसर तुम उसमें ढूंढ सकते हो। ओके एनीवे, ये हो तो बहुत अच्छी बात है। बता दो, ये एनसीईआरटी में एक लाइन क्वेश्चन निकाला हुआ है, इसलिए जो मैं भेज रहा हूं पहले इसको करो, फिर दूसरे बुक को आप हाथ में लीजिए। ओके नेक्स्ट बोलो। चलो और कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लो सर को, नंबर बोले फटाफट। हाँ तो नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ सर। स्लाइड तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा नहीं, लेकिन कोई भी बात नहीं, आप हाँ पूछो जो भी आपके पास क्वेश्चन है पूछो। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन सर, क्वेश्चन देख लेंगे वहाँ से, किसी को भी कोई सामने ही क्वेश्चन। चलो एनीवन, और किसी को डाउट है कोई भी क्वेश्चन में तो आप पूछ लीजिए। 74 ओके गुड। कौन कौन पूछ रहा है? ओके कक्षिल है सर, जो भी हो 74 कक्षिल है। हाँ हाँ ओके गुड गुड। चलो पिछला स्लाइड में 74 ओके ओके मिस्टर कक्षिल, जो 74 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इन ह्यूमन इज विजिबल, सॉरी डिविजिबल इनटू, राइट? स्ट्रोमा ऑफ ओवरी तो ऑफ कोर्स किसमें होता है? कॉर्टेक्स एंड मेडुला। पहला जो आंसर है इसमें, हम चारों आंसर को देखते हैं। पंडिबुलम वाला तो स्ट्रोमा कहां पे लोकेटेड रहता है? स्ट्रोमा बाहर की तरफ और कॉर्टेक्स अंदर की तरफ। देखो फंडिबुलम वगैरह तो तुम पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करने लगे, यहाँ पे सिंपली ओवरी के अंदर पूछ रहा है, स्ट्रोमा ऑफ ओवरी कक्षिल। हाँ सर पता चल। हाँ और उसमें मैंने पढ़ा था ना कि कॉर्टेक्स में जो ग्राफियन फॉलिकल्स अलग अलग फॉलिकल्स होते हैं, जबकि मेडुला अंदर की तरफ होता है, बराबर? हाँ पढ़ें। हाँ चलो नेक्स्ट पूछ लो। Hello, anyone else? है किसी को कोई क्वेश्चन तो फटाफट पूछेंगे, देख लो नंबर, और आप लोग पहले से लिखा करो कि ये नंबर पूछना है। है कोई? कोई नहीं पूछ रहा है सर अभी तो।
हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाँ सर कर ही देते। देखो हम लोग यदि पूछ रहे हो तुम सिंपली यही असुम करने को बनाए नहीं हो, ठीक है? सब सब पूरे के पूरे क्वेश्चन आप बना लो, सर्टेनली आपको काफी सारे इसमें क्वेरीज निकलेंगे। एनीवेज आज का भी टाइम है, आप आज बनाना फिर से आवाज। हाँ सर आ रही है आवाज। तो ये लोग बनाए नहीं है क्वेश्चन, सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ वो तो है ही ना सर, नहीं बनाया होगा, आधे लोग ऐसे ही है, कुछ भी नहीं देखा भी नहीं होगा। हाँ नहीं बनाना, वैसे अभी आपको इलेवेंथ वाली बात भूल जानी है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन तो बोर्ड में भी होगा भाई, एमसीक्यू है ना, बोर्ड में 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है और नीट में तो होएगा ही, इसलिए वो आराम जो पढ़ा रहे थे वो नहीं पढ़वाना है। तो नेक्स्ट अब शुरू कर दें मैडम, नेक्स्ट चैप्टर। हाँ सर कर दीजिए। हाँ हाँ सर, वैसे भी वैसा ही वाला है ना चैप्टर, इसलिए हो जाएगा, कोई बात नहीं। 15 मिनट्स है अभी हमारे पास। और इंटरनेट साथ दिया तो सही, आगे पढ़ेंगे हम। हाँ सर आज मेरा इंटरनेट सही हो। स्क्रीन दिख रहा है मैडम? नहीं सर नहीं दिख रहा। स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, आपने वो से देखा है, देखिए कुछ पॉज किए आप, क्योंकि हमें यहां पे लिख के आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। नहीं नहीं सर यहां तो है, अलाउ ही है यहां से तो। अच्छा ओके, तो यहां से क्यों दिख रहा है, रिकॉर्डिंग भी पॉज किया हुआ है ये सभी। पटेल कृष्णा माइक चालू है। मैडम आपको नहीं सर दिखाई तो नहीं दे रहा अभी भी कुछ भी। नहीं सर दिख रहा है अभी भी नहीं दिख रहा सर, ना ही वो बच्चों वाला जो स्क्रीन आता है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तो।
आपने अलाउ किया है सर स्क्रीन शेयरिंग वाला? हेलो हाँ सर, वो बड़ा वाला स्क्रीन आ गया है अब जिसमें सब दिखाई देते हैं वैसा वाला। पीपीटी दिख, अच्छा पीपीटी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, वो नहीं दिख रहा अभी। सर आपने वो अलाउ किया है पार्टिसिपेंट में जाके? हाँ सर, अब दिखाई दिया। एक्चुअली क्या है, नेटवर्क नहीं है, देखो मोबाइल से मैं चला रहा हूँ इसलिए नहीं वो लोड ले रहा है। ओके चलिए, जब तक ये दिख रहा है हम तब तक पढ़ते हैं। हाँ सर। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, इसी का आगे एक्सटेंशन है समझो ये चैप्टर, कि हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कैसे बना सकते हैं, राइट? उसके लिए इस चैप्टर में सारे के सारे चीजें दी हुई है। सो हम बड़ा नहीं कर रहे हैं स्क्रीन, क्योंकि बड़ा करेंगे शायद फिर ये लोड नहीं ले पाएगा। तो सी, पहले हम डिफाइन करें कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये है क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हेल्थ की यदि हम बात करें सिंपली, हेल्थ कि हेल्दी क्या होता है, तो हेल्दी हम देखते हैं फिजिकली यदि पर्सन हेल्दी दिख रहा है, राइट, नॉर्मल दिख रहा है, तो हम बोलते हैं पर्सन इज हेल्दी, राइट। बट ऐसा नहीं है, पर्सन केवल फिजिकली और जो नॉर्मल हेल्दी दिख रहा है वो हेल्दी नहीं कहलाता है। इसमें दो चीजें हैं कि इफ अ पर्सन इज यू नो अपार्ट फ्रॉम द यू नो कि जो हेल्दी दिख रहा है उसके अलावा इफ द पर्सन इज इमोशनली एज वेल एज सोशली हेल्दी, राइट, द ब्रॉडर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ऑर्गन्स एज वेल एज normal function, the person should be emotionally and socially healthy. So, इसमें emotional and social aspect. WHO, जिसको हम लोग World Health Organization बोलते हैं, काफी अभी इसका नाम सुन रहे हैं हम लोग, है ना? तो WHO के हिसाब से चार अलग अलग चीजें हैं एक person को healthy होने के लिए, क्या क्या? तो physically healthy होनी चाहिए, emotionally healthy होना चाहिए, behavior और social, ये चार aspects हैं ना, physically healthy, इमोशनली हेल्दी, बिहेवियरली एंड सोशली। यदि ये चारों चीजें सही है देन अ पर्सन इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन। एंड इन दिस चैप्टर वी हियर डिस्कस द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी में जो पर्सन राइट पीपल हैं दे शुड हैव फिजिकली सब कुछ सही है और ये पर्सन हेल्दी है, राइट। नाउ आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, स्क्रीन चली गई है। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा।
दिखे स्क्रीन तो आप बोलना, फिर हम आगे चले, है ना। चलो इतने में बातें करें कि ये चार चीजें हुई, जब स्क्रीन दिखेगा तब मैडम बोलना, है ना। हाँ सर। तो ये चार चीजें हुई, ये चार चीजें हम लोग क्या क्या बोले, पहला हम लोग जो बात की वो फिजिकली, अ पर्सन शुड बी हेल्दी, दूसरा इमोशनली, और तीसरा बिहेवियरली, एंड फोर्थ इज द प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो राइट सारे। तो इंडिया एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि इज द फर्स्ट कंट्री और अमंग द फर्स्ट कंट्री स्टार्टेड द डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द नेशन वाइज फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। आवाज आ रही है मैडम मेरी? हाँ सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही अभी। So India is among the first country in the world which started the different action plans for the reproductive health. ये ध्यान रखना, NCERT की जस्ट मैं लाइन ही बातें कर रहा हूँ। और पहला जो प्रोग्राम, जो सोशल प्रोग्राम एक स्टार्ट किया गया फैमिली प्लानिंग का इंडिया, अभी हम बात करें तो इसी प्रोग्राम को, जो पहले फैमिली प्लानिंग था, इसी को थोड़ा इम्प्रूव किया गया, इम्प्रोवाइज किया गया, और नाउ इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। सो क्या भाई RCH प्रोग्राम्स, ओके। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ सर दे रही है। हाँ तो RCH इसका फुल फॉर्म वगैरह भी हो सकता है कि पूछ। पूरे के पूरे प्रोग्राम का फॉर द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ओके। इस प्रोग्राम को जो ये काफी अलग अलग तरीके से ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, मतलब टेलीविजन में, रेडियो में, पेपर में, अखबार में तरीके से एडवर्टीजमेंट देते हैं, राइट। सो दैट पर्सन अ सिंपल एटलीस्ट यू नो पर्सन और वी कैन से द इलिटरेट पर्सन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट। इसमें बताया जाता है सेक्स एजुकेशन के बारे में, राइट, इसी प्रोग्राम के अंदर की स्कूल में इंट्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट द यू नो स्टूडेंट्स शुड बी वेल अवेयर ऑफ द हेलो मैम। बोलो जय। हाँ मैम ये आवाज कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ सर को भी पता ही है बेटा, क्या करे। हमारी एक एक करके बोलो। आ रही है आवाज सर? इन लोग का बहुत आवाज कट रही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहे सब। ठीक है तो अभी मैडम रहने देते हैं, आज हम देखते हैं इंटरनेट का कुछ नहीं हुआ, कल से कुछ और करेंगे फिर, है ना। हाँ सर वैसा ही करते हैं क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आवाज पूरी क्लियर ही, सेंटेंस ही पूरा नहीं हो पा रहा। आप एक बार तो ये इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह ये बना ले, राइट। हाँ सर वो मैं बता दूं, सबके सबको ठीक है ना, वो आप थोड़ा ये करके फिर खत्म कर दीजिए मीटिंग, क्योंकि मेरा बहुत अनस्टेबल है नेटवर्क, ये मोबाइल से नहीं चल पा रहा है।
है आज वो अभी कर ही रहा है, अभी मरम्मत कर रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे, है ना? ठीक है सर, ठीक है मैडम, ठीक है। तो आप मीटिंग करके, मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, आप स्टॉप कर दीजिएगा मीटिंग, ठीक है? मेरे में सर स्टॉप का नहीं ऑप्शन आ रहा है, मेरे में लीव मीटिंग का ही आ रहा है खाली। हाँ लीव मीटिंग, भाई लीव मीटिंग, आप लीव कर दीजिएगा, सब लीव हो जाएंगे, या फिर मैं कर दूंगा। चलिए आप 5 मिनट इंट्रोडक्शन जो आपको चलो, अभी तक सबने क्वेश्चन बनाए नहीं है, वो साफ पता चल ही जा रहा है, क्योंकि कोई क्वेश्चन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए अब सारे क्वेश्चन बनाओ। मैंने इसीलिए आप लोगों को एक्सरसाइज भी देरी से ही दिए, सैटरडे तक का टाइम देके कि आप लोग ये बनाओ, और आज सब लोग बनाएंगे और क्वेश्चन होना ही चाहिए आप लोगों के पास, ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं हो। नंबर लिख के आओ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए आपका यही होगा कि जितना भी क्वेश्चन सर ने भेजा है आप सारे करेंगे। एंड सर, हाँ मैडम, इलोंग वो ये रिप्रोडक्टिव वाले जो चैप्टर है उसकी पीपीटी ये फाइल मांग रहे हैं ग्रुप में। हाँ मैं भेज दूंगा, मैं आज सर्टेनली, मैं आज ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना? हाँ आज सर, आज सर भेज देंगे आप लोग, उसमें से जो आप लोग का रह गया और छूट गया और नेटवर्क की वजह से वो सब आप लोग चेक कर लीजिए। सर्टेनली सर्टेनली हम भेज देंगे, और वीडियो सब हमने भेजा ही है, वीडियो उनको बोले इससे ज्यादा अच्छा वीडियो होगा, फिर मैं भेज दूंगा, वो भी भेज दूंगा, दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी वीडियो था वो सब मैंने यूट्यूब पे उनको ग्रुप में भेज ही दिया है, और वो छोटा छोटा वीडियो मैंने बना के भेजा है, वो जो ज्यादा और अच्छा है कि टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा इनको सुनने। हाँ सर, वो पीपीटी है ना सर, इसलिए उन लोगों को ऐसा कि वो सारे पढ़े ना एक्स्ट्रा चीजें जो आपने डाली है, इसीलिए मैं आज भेज दूंगा, मैं आज भेज दूंगा सर्टेनली। हाँ तो सर आज सब भेज देने वाले है, उसको पढ़ो, पर उसके पहले जो सर ने भेजा है वो तो सोल्व करो, सोल्व करोगे तो ही पता चलेगा, ठीक है? तो आज सारे जन बैठ के शांति से सॉल्व करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोग न्यू चैप्टर अब चालू करने वाले हैं, इसलिए ये चैप्टर पहले खत्म होना चाहिए आप लोगों के लिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कल लेके आना, एंडिंग में हम लोग वो डिस्कस करेंगे फिर, जो भी आपका इसमें से क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसा करेंगे, ठीक है सर, आप लीव कर दीजिए आपका। ठीक है, मैं ठीक एंड करता हूं मीटिंग। ओके सर, हां सर, ठीक है।